दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में कई पुलिस वाले को देखते हैं। वैसे इन सभी पुलिस वाले की जो वर्दी होती है वह दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन इन सभी पुलिसकर्मी की वर्दी पर अलग अलग तरह की बैच लगा होता है। वैसे आपको बता दूं कि इन पुलिसकर्मी को इनके पोस्ट के अनुसार अलग अलग सुख सुविधा मिलता है, जैसे कि गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। दोस्तों, इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में कई रैंक होते हैं जिनका पोस्ट के नाम पर पावर अलग अलग होते हैं। बैच और स्टार लेकर इन लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आज इस वीडियो में हम यही कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आज हम पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस की छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पुलिस कॉन्स्टेबल। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे छोटी पोस्ट जो होती है वह पुलिस कॉन्स्टेबल की होती है। कॉन्स्टेबल की वर्दी पर किसी भी प्रकार का बैच देखने को नहीं मिलेगी और ये पुलिस की एकदम सादा वर्दी में होती है। इसके बाद आता है सीनियर पुलिस कॉन्स्टेबल। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट होती है वह कॉन्स्टेबल से बड़ी होती है। कॉन्स्टेबल की वर्दी पर सिर्फ राज्य का नाम लिखा होता है और इनके वर्दी पर दो स्टेप बने होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पुलिस कॉन्स्टेबल पर इस तरह के निशान नहीं होते हैं, इनके वर्दी पर कुछ पीले तरह के दो स्टेप होते हैं। इसके बाद जो पोस्ट आता है वह हेड कॉन्स्टेबल की होती है। दोस्तों, हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल और सीनियर कॉन्स्टेबल से बड़ा होता है। इनके वर्दी पर कुछ इस प्रकार के लाल रंग के 3 स्टेप होते हैं, जबकि महाराष्ट्र के पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल के पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग के 3 स्टेप होते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुलिस के कॉन्स्टेबल होते हैं वह कुछ इस तरह के टोपी पहनते हैं, जबकि भारत के सभी राज्य के कॉन्स्टेबल गोल्ड रंग की टोपी पहनते हैं। कॉन्स्टेबल के बाद ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस रैंक आता है। ASI को हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। ASI के वर्दी पर एक स्टार होता है और ये साथ ही लाल और नीले रंग की एक स्टेप होते हैं और इसके नीचे में राज्य का नाम लिखा रहता है, जैसे कि झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। इसके बाद सब इंस्पेक्टर यानी SI सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। SI के वर्दी पर ASI की तरह वर्दी होता है और इसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ एक स्टार की जगह पर दो स्टार होते हैं। ASI और SI में एक स्टार का फर्क होता है। दोस्तों, अगली जो पोस्ट आता है वो AI यानी कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर का होता है। दोस्तों, इसमें 3 स्टार होते हैं और इसमें एक ही रेड कलर का स्टेप लगा रहता है। इसके बाद जो पोस्ट आता है वह इंस्पेक्टर का होता है। दोस्तों, इंस्पेक्टर को TI भी कहा जाता है यानी थाना इंचार्ज, और ये थाने का सबसे बड़ा पोस्ट होता है और ये इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार और एक रेड और एक ब्लू कलर का स्टेप होता है। और जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है उसके वर्दी पर भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन उनके साइड में सिर्फ एक रेड कलर का स्टेप होता है, जबकि इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार और 2 कलर का स्टेप होते हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर के बाद जो अगला रैंक होता है वह DSP का होता है और यहीं से पुलिस का सबसे बड़ा पोस्ट शुरू होता है। DSP के वर्दी पर सिर्फ 3 स्टार होते हैं और इनके स्टार का जो कलर होता है वह वाइट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि DSP के नीचे जितने भी पोस्ट होते हैं उनमें येलो कलर के स्टार होते हैं और जो DSP होता है वही SAP होता है। आदि DSP को जो पोस्ट होता है वही SAP के बराबर होता है और इनमें कोई अंतर नहीं होता है और इनके जो बैच होता है वो एक ही जैसा होता है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो SAP होता है वह बड़े शहर में रहता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और आदि शहर में DSP रहता है। इसके बाद जो इससे बड़ी पोस्ट होता है वह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। दोस्तों, जब एक IPS अधिकारी अपने ट्रेनिंग में रहता है तब इन्हें वो एक स्टार दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि वह फर्स्ट ईयर में है, और जब ये सेकेंड ईयर में जाता है तब इन्हें 2 स्टार दिया जाता है, और जब ये थर्ड ईयर में जाता है तब इन्हें 3 स्टार दिया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि 3 स्टार तो SAP का भी होता है, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि SAP का जो बैच के नीचे राज्य का नाम लिखा रहता है और इसके बैच के नीचे IPS का नाम लिखा रहता है। जब ये ट्रेनिंग में रहता है तब इन्हें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, और जब इसका ट्रेनिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तब इन्हें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं।
और तब जाके इनके बैच के नीचे अशुभ एम्ब्लम आ जाता है और जिसके नीचे आईपीएस लिखा रहता है। और आपको बता दूं कि इसके बाद इसके ऊपर जितने भी बैच होंगे सभी में आईपीएस लिखा रहेगा। इसके बाद जो अगली पोस्ट आता है वो एसपी का होता है। एसपी का पोस्ट एएसपी से बड़ा होता है। एसपी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, जिसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। और एसपी के वर्दी पर अशुभ एम्ब्लम के साथ एक स्टार रहता है। इसके बाद जो अगली पोस्ट आता है वो एसएसपी का होता है। दोस्तों एसपी से बड़ी पोस्ट एसएसपी का होता है। एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और मैं आपको बता दूं कि एसएसपी और डीसीपी दोनों एक ही पोस्ट पर होते हैं और इन दोनों का बैच में कोई अंतर नहीं होता। बता दूं कि एसएसपी बड़े शहर यानी कि मेट्रो सिटी को छोड़कर कहीं भी रहता है तो उसे एसएसपी कहा जाएगा, और जबकि इन्हें बड़े शहर में जो देखा जाएगा वह डीसीपी कहा जाएगा, क्योंकि मेट्रो सिटी में ही कमिश्नर ऑफिस रहता है। अगली जो पोस्ट आता है वो डीआईजी का होता है। मैं आपको बता दूं कि इस पद से गाड़ी मिलना शुरू हो जाता है और डीआईजी को मिलने वाला गाड़ी में वन स्टेप लगा रहता है और इनमें एक फ्लैग भी होता है जो कि इस प्रकार दिखाई देता है। और नेक्स्ट जो पोस्ट होता है वो आईजीपी का होता है और इनमें एक स्टार के साथ एक तलवार का चिन्ह भी रहता है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इनका जो गाड़ी होता है उसमें दो स्टार लगे होते हैं और इसका जो फ्लैग है कुछ अलग तरह के दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद जो बड़ी पोस्ट होता है उसे एडीजीपी कहा जाता है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके वर्दी पर अशोक एम्ब्लम के साथ तलवार और आईपीएस लिखा रहता है और इनका जो गाड़ी होता है उनमें 3 स्टार होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगली जो पोस्ट होता है वह डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके भी वर्दी पर अशोक एम्ब्लम के साथ साथ तलवार और आईपीएस लिखा रहता है और इसे कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। और इसके बाद जो अगली पोस्ट होता है वो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी डीआईबी कहते हैं। और पुलिस में ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती है। और इसमें अशोक एम्ब्लम के साथ एक स्टार और तलवार के साथ आईपीएस लिखा रहता है और इनका जो सैलरी और स्टेटस होता है वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बराबर होता है। तो गाइज आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।